सोलापुरातील ॲडोरा हॉस्पिटलमध्ये पहिल्यांदाच यशस्वीरित्या लिंग परिवर्तनाची शस्त्रक्रिया पार पडली आहे. डॉक्टर शरण हिरमेट यांनी ही किमया सोलापुरात करून दाखवली आहे. 2 वर्षांच्या अथक परिश्रमानंतर एका पुरुषाचं महिलेमध्ये त्यांनी रूपांतर केलंय. कुटुंबियांच्या संमतीने आणि मानसिक रोग तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानंतरच या प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात येते. लिंग परिवर्तन करणाऱ्यांनी त्यांची ओळख गोपनीय ठेवली असल्याने त्यांची माहिती मिळू शकलेली नाही. मात्र सोलापुरात ही शस्त्रक्रिया यशस्वी झाल्याने ग्रामीण भागातील अनेक लिंग परिवर्तन करू पाहणाऱ्यांच्या अडचणींचा मार्ग सुकर झाला आहे. या शस्त्रक्रियेसाठी साधारण 1 ते 1.5 लाख रुपयांचा खर्च येत असल्याची माहिती डॉक्टर शरण हिरेमठ यांनी दिली. फक्त लिंग परिवर्तन बदल झालेल्या स्त्रीला मुलाला जन्म देता येणार नाही. गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं डॉक्टर शरण बसवा हिरेमठ, मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ. मेरा अडोरा हॉस्पिटल क्लिनिक है इधर VIP रोड एम्प्लॉयमेंट चौक. अभी जो मैंने जो ट्रांसजेंडर जैसे जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन सेक्स चेंज ऑपरेशन जो पहली बार सोलापुर में हुआ है, जो मेल से फीमेल हुआ है, जैसा नॉर्मली इनका 2 साल से ट्रीटमेंट चलता है. जैसा पहले आते हैं और आते हैं उनको क्या बनना चाहते हैं उसका उनके बारे में जानकारी पूरा हासिल करते हैं. उसके बाद में अपन उनको साइकेट्रिस्ट के पास, मानसिक रोग तज्ञ के पास भेजते हैं. वो काउंसलिंग करके उनका कोई दबाव नहीं है, उनका इंटरेस्ट क्या है वो इसके लिए वो पेशेंट से बातचीत करके पता लगाते हैं. फिर थोड़े दिन के बाद वो कन्फर्म करते हैं कि पेशेंट नॉर्मल है, पेशेंट को अपने आप ही मेल से फीमेल बनने का है या फीमेल से मेल बनने का है. ये नॉर्मल थिंकिंग है. हर कोई को अपना जो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो भी उनको चाहिए वैसा जीने का अधिकार है. इट इज़ राइट, इट इज़ ए बेसिक. तो वो जो भी बनना चाहते हैं उसके अनुसार अपन ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं या बॉडी चेंजेस कर सकते हैं. तो अभी आगे भी अपन ऑपरेशंस कर सकते हैं. फिर चेहरे का हेयर्स के लिए उसका लेज़र हेयर रिमूवल करते हैं. उसका भी पर मंथली सेशंस रहते हैं. जो 7-8 बार हम लेज़र फेस के ऊपर कर देने के बाद परमानेंट हेयर लॉस चले जाते हैं परमानेंट के. तो फिर बाद में धीरे धीरे वो ऑलमोस्ट फीमेल लुक आ चुका रहता है और नॉर्मल अपना कंप्लीट लाइफ नॉर्मल फीमेल की लाइफ जी सकते हैं.